कि जातियों में टूटे हुए समाज को जोड़ना है तो ब्रदरहुड जरूरी है, और ब्रदरहुड के लिए सिटिंग, मीटिंग और ईटिंग, तो तीनों चीज़ें हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने हाई लेवल पर लंबे अरसे के बाद ऐसा प्रयास पिपल साहब ने साल भर पहले किया था, तो एक जगह हम लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। ये सिटिंग, मीटिंग, ईटिंग का काम लगातार जारी रहे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। 1930 में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र की प्रस्तावना रख दी। भारत के ब्राह्मणवादी ताकतों ने उसका बहिष्कार किया था, उस पे नहीं थे। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उनके लिए लाभदायक है जिनकी आबादी ज्यादा है, सौभाग्य से हमारी आबादी ज्यादा है। परंतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उनके लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है जिनकी आबादी कम है। और जो 4% ही है आबादी में, उनके लिए तो महा खतरनाक है। लिहाजा उन्होंने मुखर रूप से लोकतंत्र का विरोध नहीं कर सकते थे तो कट मोशन लाए, वोटिंग राइट आम पर्सन को नहीं मिलना चाहिए और वगैरह वगैरह तरीके से लोकतंत्र का विरोध किया। पर उनके रुकने से बाबा साहब अम्बेडकर की मजबूत पैरोकारी से भारत में लोकतंत्र 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में स्वीकार कर लिया गया। तो जिनकी आबादी कम है वो तो अपने हित की बात सोचेंगे भाई, इसलिए उन्होंने तय किया कि दुनिया की डेमोक्रेसी मास बेस्ड है, भारत की डेमोक्रेसी भी अगर मास बेस्ड हो जाएगी तो हम भारत के हुक्मरान नहीं रह पाएंगे और बिना हुकूमत के हम मारे जाएंगे। अंग्रेज जैसे इंटेलिजेंट कौम बिना हुकूमत के भारत में महफूज नहीं मान रही है, और इसलिए देश सत्ता छोड़ने से पहले वो अपने बीवी बच्चों को लंदन में रखाए, बाद में लौट के सत्ता छोड़ी। तो उन्होंने तय किया कि मास बेस्ड डेमोक्रेसी हमारे लिए लाभकारी नहीं, तो मनी बेस्ड, माफिया बेस्ड और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी वो लेके आए। और खास करके वो घबरा गए 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को प्रस्तावना रखी, पास कराया और दंभपूर्ण वक्तव्य उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में दिया और कहा कि आज से हम दोहरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ राजनीति में समानता मिलेगी, बहुत मार्केबल बात है, असमानता के मुल्क में कहा कि राजनीति में समानता मिलेगी, किनके बीच में? असमानतावादियों के बीच में। ऐलान किया कि एक आदमी का एक वोट, एक वोट की एक कीमत और सभी को वोट डालने के अधिकार को स्वीकार कर लेने के कारण राजनीति में समानता मिलेगी, परंतु दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भयानक गैर बराबरी फैली हुई है, इसको जल्द से जल्द दूर करना होगा, नहीं तो गैर बराबरी से दुखी लोग लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे, उनके हित में अगर नहीं रहेगा। वहां पर बैठे हुए लोगों ने सोचा कि अम्बेडकर कह रहा है कि मैं राजनीति में समानता ले आया हूं, राजनीतिक समानता विस्तारित हो, संक्रमण करे और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में फैल जाए, उससे पहले हमें
राजनीतिक समानता को ही समाप्त कर देना चाहिए, भ्रूण हत्या कर देनी चाहिए। और उन्होंने मनी बेस्ड डेमोक्रेसी को प्रोसीड किया, वोटों को बिकवाना चालू किया, वोटों की बिकवाली के कारण धन आधारित, मीडिया आधारित और माफिया आधारित भारत में लोकतंत्र के आगे बढ़ने के कारण लोकतंत्र की हत्या हो गई। 1984 में बाबा का सपना पूरा करने के लिए माननीय कांशीराम जी ने पॉलिटिकल प्रोसीड किया और बड़ा काम जो कांशीराम साहब ने किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मनी बेस्ड माफिया और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी को धक्का मारा और नोटों वाले लोकतंत्र को धक्का मारा, वोटों वाला लोकतंत्र स्थापित किया, वोट के बिकवाली बंद कर दी, इमोशनल अपील किया। शायद उसके पहले वो अपील नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि जो वोट बेचे समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे, वोट और बेटी बेची नहीं जाती है बल्कि लायक व आदमी के हाथ में सौंपी जाती है। हजारों नौजवान यूनिवर्सिटी से निकला मानवर कांशीराम जी के इस अपील का दीवाना हो गया। मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा था, मेरे मजदूर बाप ने बड़े मुश्किल से लखनऊ में मुझे भेजा। मैं मानवर कांशीराम जी के तर्पण पूर्ण जो अपील को फील किया और मैं भी पूर्णकालिक प्रचारक बन गया और इस काम में हजारों किलोमीटर साइकिलों पर चले बुंदेलखंड कानपुर मंडल और मध्य प्रदेश के इलाके में काम किया और वोट के बिकवाली हजारों नौजवानों ने अपने आप को दांव में लगा करके बंद करा दिया। वोट के बिक्री बंद हुई, चमत्कार हो गया, लोकतंत्र कामयाब हो गया। जीरो बैलेंस पर सैकड़ों लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा में पहुंचने लगे। स्वयं मेरी बहना बहन कुमारी मायावती बिजनौर से जीरो रुपए पर जीत करके आ गए। एक नहीं और एक नई उपलब्धि, मात्र कोई किसी से गेम नहीं लड़ करके 3 मेंबर पार्लियामेंट की पावर पे 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक किसी वोट क्लब में लगातार मंडल रिपोर्ट के लिए धरना हुआ और गर्दन दबा करके मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का काम मानवर कांशीराम जी ने कर दिखाया। क्योंकि वो जो 3 मेंबर पार्लियामेंट थे वो मनी बेस्ड नहीं थे, माफिया बेस्ड नहीं थे और नकली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो मास बेस्ड थे, वोटों की बिकवाली रोक के आए थे। जिनको लोकतंत्र से खतरा है वो क्या चुप रहेंगे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? और अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। वो चुप नहीं रहे, उन्होंने आपके सत्ता तक, चूंकि 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं और 2004 में ही हम करने में कामयाब हो जाए। 20वें दिन ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, हालात पूरे देश के सामने, रिटेल सेल बंद हो गया, जिसको हुक्मरान बनना है वोट कम है उनके पास, वोट है नहीं, वो रास्ता तो खोलेंगे ना। तो उन्होंने होल सेल चालू करा दिया। 89 से 2007 तक बहुजनों का ग्राफ वोट के बिकवाली बंद होने के कारण लगातार ऊंचाई पे गया है, राइज पे गया है, थोक बिक्री चालू हुई, लगातार ग्राफ आपका नीचे को गया है, ये आपके सामने है। इसलिए मैं, और जो लोकतंत्र को बचाना है तो मास बेस्ड डेमोक्रेसी और बहुजन समाज बनाना होगा साहब। एक एक जाति, और ये मुझे बहुत प्राउड हो रहा, बहुत अच्छा, सवेरे से मैं बैठा हूं 1 बजे से, के बहुत अच्छा वातावरण, बहुजन की बात,
माननीय प्रेम नारायण सचान साहब हमारे कानपुर से चल के आज अध्यक्ष संघ के हैं, आए हुए हैं, लक्ष्मण जी को सुना कि आप बंद कर दीजिए, बैकवर्ड साथ नहीं देता है। गलत है ये बात, हमने कमिटमेंट तोड़ा है। हम कह के आए थे बैकवर्ड को कि आइए चलिए आपका हिस्सा भी देंगे और इनको मार भगाएंगे, इनसे हिस्सा छीन लेंगे, अपना लेंगे, तुम्हारा भी देंगे। हमने हाथ मिला लिया उनसे, लोकतंत्र के फेलुअर है ये। हमने उनसे हाथ मिलाया, बैकवर्ड का नहीं है, बैकवर्ड ने हमें वेलकम किया, और खास करके वो पूरे नॉर्थ इंडिया में मोस्ट बैकवर्ड जातियों ने, जो हमारे को सफरर हैं, वो को सफरर हमारे जैसे सह दुख भागीदार हैं। पलक पावड़े बिछा करके अम्बेडकरवादी आंदोलन का उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए मुझे पर्ची मिल गई है। और मैं कहना चाहूंगा एक बात लास्ट में, मैं साहब ने अशोक साहब ने बात कही, पे बैक टू द सोसाइटी, खतरा थोड़ा है बहुत भयंकर। आपके रिसर्च स्कॉलर डिग्री कॉलेजों में, आपके छात्रावासों में क्रिमिनलियर का माहौल बनाया जा रहा है, वो आपके समाज को रायमंद कर रहे हैं कि क्रिमिनलियर लागू कर स्वीकार करिए, और हम आपके कलुआ से कहा, कलुआ काका, कलुआ तुम्हारे लड़का का नौकरी मिली, कहा नहीं महाराज नहीं मिली, कहे महाराज इसलिए पता नहीं कहे नहीं मिली, फार्म भरा, एमए पास करा दिया, सब पूरा सारा पास हो गए, मिलेगी भी नहीं। अरे महाराज ऐसा कहे श्राप देते हो, कहे नहीं मिलेगी, कहा नहीं तुम्हारे लड़का के हिस्सा की नौकरी है ना, जो वो तुम्हारी बिरादरी का इंजीनियर साहेब, डॉक्टर साहेब, तुम्हारी बिरादरी का तहसीलदार, प्रोफेसर, उनका लड़का नहीं गया तो तुम्हें कलुआ तुम्हारे लड़का का नौकरी कहां मिलेगी। और महाराज मर गए ना, मैं तो नहीं, मेरी एक पॉइंट महाराज ने कहा, चूंकि कनेक्शन टूट गया था महाराज का और हमने कनेक्शन पुनः जोड़ दिया सर्वजन, और महाराज ने कहा कि मोदी जी से हॉटलाइन में बात हो रही है, अगर साथ दे तो हम मोदी जी से बात करके और क्रीमी लेयर लागू करा दें, तो ये तुम्हारी बिरादरी के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके लड़का को बाहर कर देंगे तो तुम्हारे लड़का को खट दे मिल जाएगी। महाराज बिल्कुल साथ में हम आपके, आपका समाज क्रीमी लेयर के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए अशोक साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूं। मौके की बात है, पे बैक टू द सोसाइटी, हमें समाज के बीच में जाना होगा और उनके बीच में भ्रातृत्व भाव स्थापित करना होगा। स्कूल चलाओ साहेब, काहे नहीं चला सकते, कब तक कोसोगे, किसकी जिम्मेदारी, पांच लोग मिल जाइए स्कूल चला लेंगे, आप चला नहीं रहे हैं, इससे बड़ी नालायकी क्या होगी कि अपनी बहनी का डोला हमने लुटेरों के हाथ में सौंप दिया है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से शिक्षा के दुश्मनों के हाथ में है, ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, क्या लायक नहीं है स्कूल चलाने की। मैं सूखी सलाह नहीं दे रहा, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल हम चला रहे हैं और नए नए भी पाठशालाएं खोल रहे हैं, और भाई चंद्रशेखर का भी मैं धन्यवाद दूंगा, उसने भी पाठशालाओं में क्रिएटिव काम किया है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग नौजवान आए और पे बैक टू द सोसाइटी स्कूल खोलिए और एक समान शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की जाए। अनुच्छेद 21 का संविधान का इस बात का प्रबंध करता है, उसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी, एक समान शिक्षा लागू हो जाए तो शायद हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास बेस्ड डेमोक्रेसी लाइए और बिकवाली बंद कराइए, फुटकर बिक्री बंद हो गई है, थोक बिक्री बंद कराइए। जय हिंद, जय भारत। Oh.